हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आप सभी की अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कन्या उत्थान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं अगर आप स्नातक पास हैं तो। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रखते हैं, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए, स्नातक पास होना चाहिए, तो यहाँ पे 19-20 वाले आपको 25,000 रुपये मिलेंगे। क्या क्या आपको गलती क्या नहीं करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहना है, इसके लिए ये वाला वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी होता है। ये वाला वीडियो देखने के लिए वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा या आपको आई बटन पर इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके इस वीडियो को देख लेने के बाद ही आप वीडियो को ऑनलाइन कीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं, पूरा एड्रेस आपको मैंने बता दिया था कि क्या क्या करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पंजीकरण करना है। सबसे पहले तो पंजीकरण करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, जो आपका नाम अपने सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे देख सकता है कि एज इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी आपको अपना मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार ही नाम फिल करना है। फादर्स नेम भी आपको डालना है। टोटल डिटेल्स आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार ही फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। यहाँ से आप कैटेगरी कौन सा है, कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, आधार नंबर और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी कि पासवर्ड आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपका नाम है तो अपने नाम, जैसे मेरा नाम समीर है तो SAMIR। अब उसके बाद आपको जो रखना है 123, मैं यहाँ पे एज एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और एट द रेट डालना हो तो एट द रेट, या आपको हच, जो आपको स्पेशल कैरेक्टर उपयोग करना है आप कर सकते हैं, लेकिन अपर लोअर केस का ध्यान दीजिएगा। वहीं पासवर्ड आपको फिर यहाँ पे कंफर्म कर देना है। इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल करके और उसके बाद आपको रजिस्टर वाला ऑप्शन पे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे शो कर दिया जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं मिलेगा कि यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट पेज पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, जहाँ सेव करना वहाँ सेव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का पेज ओपन होगा। यहाँ से आपको अपना यूजर आईडी डाल देना है, उसके बाद पासवर्ड डाल देना है, जो कैप्चा दिया है यहाँ पे कैप्चा फिल करके उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपना नाम शो होने लगेगा इस साइड कॉर्नर पे, और यहाँ पे आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म एंट्री का ऑप्शन, और यहाँ पे ये डिटेल्स आपको शो होगा। नीचे आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको एक नंबर, दो नंबर, इस तरह टोटल यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स 5 स्टेप है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड, निवास, बैंक पासबुक, स्नातक मार्कशीट, इतना अपलोड करना है। तो कैसे किया, बहुत आसान प्रोसेस है। सबसे पहले एक नंबर देखिएगा, कंप्लीट जो हो जाएगा वो आपको ग्रीन टिक हो जाएगा। दो नंबर पर क्लिक करने, यहाँ पे देखिए बैंकिंग जानकारी पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से आपको अपना नाम, पिता का नाम मिल जाएगा, बाकी सभी और डिटेल्स मिल जाएंगे। जो नहीं है उसके यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको अपना नाम हिंदी में डालना है, आपको अपना नाम इंग्लिश में डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिल करना है मदर्स का नाम इंग्लिश में, मदर का नाम हिंदी में। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है कि जेंडर कौन सा होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना श्रेणी कौन सा होगा वो ऑटोमेटिक फिल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखाई देगा, आधार नंबर, आधार में नाम आपका किस प्रकार है, विश्वविद्यालय यहाँ पे आपको डाल देना, विश्वविद्यालय में एनरोलमेंट एनरोल नंबर क्या है। उसके बाद यहाँ से क्लिक कीजिएगा और क्लिक करके चेक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स एक बार और मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, सबसे पहले ऊपर आप एड्रेस देख लेंगे, आपको अपना श्रेणी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके अपना ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर, और आधार पर जैसा नाम है वो नाम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर, और रजिस्ट्रेशन किस सेशन में हुआ वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक खाता नंबर और बैंक खाता को यहाँ पुष्टि कर लेना, वही बैंक खाता नंबर यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको बैंक का IFSC कोड डालिएगा, IFSC कोड डालने के बाद आपको बैंक ऑफ यानी बैंक का नाम ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना है, क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कॉलेज का नाम, कॉलेज कौन सा एफिलेटेड है या कंस्टिट्यूटेड है,
तो यहाँ पे अपना अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एफिलेटेड कॉन्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा फ्रेंड्स कि एफिलेटेड कैंडिडेट ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज आते हैं, बस शॉर्ट में जान लीजिए। इसमें कॉन्स्टिट्यूटेड में यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम डालना है कि आपका कॉलेज कौन सा है। यहाँ पे जो आपका कॉलेज हो वो कॉलेज का नाम आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। कॉलेज नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे संकाय सेलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी से पढ़े हुए हैं। आप अगर बीए बीएससी बीकॉम किए हैं इटसी तो सामान्य वर्ग, ठीक है फ्रेंड्स। बीटेक बी किया है तो इसमें, और बीसीए बीबीए किया है तो आप व्यवसायिक में आएगा। तो यहाँ पे सामान वर्ग का जो मैं जिनका भर रहा हूँ वो सामान से किए हैं यानी बीकॉम किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा फ्रेंड्स, या पर्सनल डिटेल्स, इसलिए मैंने इसको हाइड करके रखा है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सत्र यानी सेशन सेलेक्ट करने का, तो आपका सेशन कौन सा था सेशन सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे उत्तीर्ण कब किए थे तो यहाँ पे कैलेंडर पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद मैं उसके बाद यहाँ से आप कैलेंडर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका जो कैलेंडर मार्कशीट डेट इश्यू हुआ वो आपको यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह करके आप पूरा डिटेल्स एक बार और चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद इसको क्या कीजिएगा, आप सेव पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपका पेज सेव हो सके। जब आपका पेज सेव हो जाएगा तो आपको एडिशनल रिकॉर्ड इस तरह सेव सक्सेसफुल आ जाएगा। ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद अब आपको क्या करना है, सब कुछ अगर सही है तो आपको आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो आपसे कुछ इस तरह फिर पूछा जाएगा कि क्या आप सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप अगर सही है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अतिरिक्त रिकॉर्ड का अध्यतन करें या होम पे या आगे बढ़े, तो यहाँ पे आप आगे बढ़े पे क्लिक कर दीजिएगा। उस बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना फोटो अपलोड कीजिए और यहाँ पे हस्ताक्षर अपलोड कीजिए, तो यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा। जहाँ पे आप अपना फोटो रखे होंगे उस फोटो पे जाके फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपलोड फोटो पे आप क्लिक कीजिएगा, आपका फोटो जो है अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आपको देख सकते हैं प्रोफाइल फोटो सहेजा गया, ओके पे क्लिक कीजिएगा। उसी तरह आपको यहाँ सिग्नेचर भी अपलोड कर देना। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको आगे बढ़े पे क्लिक करना है। क्लिक करने के यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप अपलोड कीजिए, यहाँ पे आधार कार्ड की कॉपी एक अपलोड करना है, निवास, बैंक का पासबुक यहाँ पे अपलोड कर देना है, और यहाँ पे आपको इंट स्नातक जो पास किए अंक यानी मार्कशीट वो आपको यहाँ अपलोड कर देना है। सब यहाँ पे फ्रेंड्स पीडीएफ में आपको अपलोड कर देना है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस तरह आपको सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है, वो भी पीडीएफ में। अपलोड होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको मिल जाएगा व्यू अपलोडेड फाइल पे, तो आप जो फाइल अपलोड किए हुए हैं उसको आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आप जो फाइल अपलोड किए हुए हैं वो आपको सही है या नहीं है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स डाउनलोड हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डाउनलोड नहीं करूँगा। चलो हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं इसको ओपन कर लूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स स्नातक का मार्कशीट हम आपको दिखा रहे हैं यानी ग्रेजुएशन वाला, आप देख लीजिएगा एक बार, कन्फर्म हो जाइएगा इस तरह आप, उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा। देख लिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको अप्लाई करना नेक्स्ट प्रोसेस देता हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रेंड्स आगे बढ़े का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आप जो यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं यहाँ पे आवेदन की ड्राफ्ट कॉपी हेतु क्लिक करें वो देखें, तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप जो ड्राफ्ट कॉपी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स प्रीव्यू देखने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी डिटेल्स मैंने भर दिया है, जो जो डिटेल्स फिल किया होगा वो आपको ग्रीन दिखाई देगा। सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल हो चुका है, सिवाय कि यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो अंतिम रूप से नहीं अपलोड किया हुआ है, अंतिम रूप से सबमिट नहीं किया गया है। तो क्या यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको फिर वही पेज लिया जाएगा जो फाइनल में लिया गया था यानी प्रीव्यू वाला पेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको चेक मार्क्स को चेक कर देना है। यहाँ पे अब आपको फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इसको सबमिट करना चाहते हैं फाइनल रूप से, आपको यस पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स जो भी प्रोसेस है मैं अपने मोबाइल फ़ोन से आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने कहीं कोई कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग नहीं किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से इसको अपने घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आपको कहीं किसी साइबर कैफे में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स जब फाइनल सबमिट आप कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल सकता है कि प्रोवाइड मेजर सब्जेक्ट डिटेल्स और अपना रोल नंबर। तो घबराइएगा नहीं, आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद नीचे आपको मिलेगा होम पेज का ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ऊपर मिलेगा प्रिंट एप्लीकेशन और नीचे मिलेगा आपको अपडेट फाइनल ईयर सब्जेक्ट एंड रोल नंबर का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आप क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपको वहाँ पे स्नातक मेजर यानी किस सब्जेक्ट से किए हैं वो आपको सब्जेक्ट का नाम डाल देना है। तो मैं अकाउंट से किया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अकाउंट मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे फाइनल ईयर का जो रोल नंबर होगा वो रोल नंबर आपको फिल कर देना होगा। इतना कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे ही आपको अपना मार्कशीट को अपलोड कर देना है, या चाहे तो आप अपना एडमिट कार्ड भी अपलोड कर दीजिएगा जहाँ आप रखे होंगे। अपलोड होने के बाद यहाँ पे आप देखते हैं फ्रेंड्स, आपको मिल जाएगा वैसे ही आपको व्यू अपलोडेड फाइल का ऑप्शन। तो उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है, पेज आपका सेव हो जाएगा। अब उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है, क्लियर है। उसके बाद आपको फिर होम पेज पे चले जाना है। होम पेज पे जाने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। अब आपको आना है आवेदन पत्र को अंतिम रूप देकर ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिएगा, फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, यस कीजिएगा। उसके बाद आपका जो फाइनल सबमिट होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो मैंने हाइड करके रखा है एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा यहाँ से। अब आपका फाइनल सबमिट हो चुका है, अब इसको आप सेव करके अच्छे से रख लीजिएगा। जरूरत पड़े तो, हो सकता है कि आपको जरूरत पड़ जाए, सेव करने के बाद ही आप कुछ कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का अपडेट। अगर आपको किसी पर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे भी आप अपना डिटेल्स चेक कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट, नए वीडियो, नए रिक्रूटमेंट के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।